हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आज चैनल के एक नई सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, पोइट्री। इस सेक्शन में पोइम्स जो हैं वो सारी मैंने खुद लिखी हैं, एक एक करके उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगी। थैंक यू। वापस आओ जल्दी, वापस आओ जल्दी के अपनों से इस कदर उठना अच्छा नहीं। हर वो चीज़ जो छोड़ कर गई थी इस घर में तुम, आज भी सुबह शाम मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा करती है। वो केतली चाय की हर सुबह इस कदर गुस्से से देखती है मेरी तरफ कि मानो चाय से नहीं बल्कि गुस्से से गर्म हो। वो फूलदान जिसमें कभी फूल नज़र आते थे तुम्हारी मौजूदगी में, आज सिगरेट बुझाने के काम आता है। इबादत कर जिसमें सफ़ेद और हरे रंग के पर्दे लगाए थे तुमने, वो पर्दे जो खुदा की मौजूदगी का एहसास कराते थे, आजकल बंद ही रहते हैं। कभी गलती से निगाह पड़ती है उस तरफ तो लगता है कि मानो बुला रहे हों मुझे। पर रहबर ए कामिल के बिना खुदा कहाँ हासिल, ये सोच कर मैं नहीं जाता। वो मनी प्लांट का पौधा जो तुमने पुराने से कांच के डिब्बे में पानी डालकर लगाया था कभी, आकर देखो आज उस पर 500 का नोट उगाया है। वो साफ़ सुथरी गद्देदार कुर्सियाँ जो तुमने फ्रिज के कलर से मैच करके खरीदी थी। आज मेरे कपड़ों के बोझ के तले दबी पड़ी हैं। टीवी का कवर सोफे के कुशन और वो पार्कर का पेन, जो तुमने गिफ्ट दिया था मुझे, सब मिलकर बेड के एक कोने पर अपनी अलग ही महफिल सजा बैठे। बस एक घड़ी है जो उस दिन से लेकर आज दिन तक अपनी ही जगह पर खड़ी है। कई बार सोचा के बदल दूं सेल इसका, पर ये रुका हुआ वक्त जो तुम्हारे होने का एहसास कराता है, उसे कैसे बदल दूं? एक अरसे के बाद कल उसी थिएटर में वापस गया फिल्म देखने जहां हम अक्सर शनिवार को जाया करते थे। अंदर जाते ही नज़र अचानक बाईं ओर गई तो लगा मानो वो दो कॉर्नर की सीट्स दूर से ही बुला रही हों और पूछ रही हों मुझे कि क्यों मियाँ, कुछ नाराज़गी है हमसे और आज अकेले ही? हर शख्स, हर चीज़, जानदार या बेजान, सब हज़ारों सवाल करते हैं मुझसे। कोई तुम्हारी सलामती पूछता है तो कोई ताने देता है मुझे। आखिर कब तक निपटूं इन सब से मैं अकेला? जल्दी से वापस आ जाओ, साथ में मिलकर करते हैं हिसाब इन सब का। वापस आ जाओ जल्दी के अपनों से इस कदर रूठना अच्छा नहीं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा।